मेरा नाम राहुल अधान है। राहुल जी, मैं दो मिनट के लिए बात करना चाहूँगा कि विकास की सबसे पहले बात करें, ठीक है ना। विकास कितना हुआ है, रोड और नाली बिजली? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ औरतें नालियों में अपने कपड़े ऊपर कर करके चलती हैं, गलियों में पानी भरा पड़ा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 5-5 दिन में पानी आता है यहाँ मीठा। और मूलचंद शर्मा हमारा यहाँ का विधायक है, जो अभी स्थानीय, उसको यहाँ, उसने 5 साल में यहाँ लोगों को शक्ल नहीं दिखाई अपनी यहाँ के। हाँ, वो यहाँ का, वो कहता है मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं आऊँ क्यों। अच्छा, तो जब वोट लेने की बारी आती है तो बड़े बड़े मुद्दे सामने आते हैं। हाँ, हमारा जो मैं, हमारा मुद्दा रोजगार का है, बिजली का है, पानी का है। रोजगार के मामले में जो फैक्ट्रियाँ हैं हमारे यहाँ पे, वो सब बंद पड़ी हैं। पहले हमारे यहाँ जो सैलरी थी वो आबाद ही हो गई है उसकी, रोजगार के नाम पे ढकोसला है। बीजेपी बहुत बेकार सरकार है, हम कांग्रेस को लाने की कोशिश है। बात करना चाहेंगे कि अगर आप, अगर विधानसभा के इलेक्शन आ रहे थे, किसका दावेदारी ज्यादा आ रही है? हमारे यहाँ से आनंद कौशिक जी है, जो यहीं के हैं, यहीं के बासिंदा हैं, यहीं पे लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कोई सीधा उनके घर जा सकता है, बात कर सकता है उनसे, रात को भी खड़े रहते हैं। यही है हमारे, आनंद कौशिक जी का पहले भी जो है सरकार रही थी। हाँ, उसके पक्ष में कितना कार्य हुआ? उनके जो, उनकी पहले सरकार रही है, उन्होंने पहले लोगों के काम करे, तभी तो लोग उनके साथ चल रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो जिस तरीके से अगर बात करें बीजेपी कार्य कितना तक जो समिति रूप से हुई है, कुछ कार्य बता सकते हैं? ठेकेदारों के हुए हैं, जो उन्होंने अपने बना रखे हैं, उनके पर्सनली जो उनके आदमी हैं। हाँ, उनके काम हुए, जनता का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार आप लोग चेंज कर दें? हाँ, चेंज करना, हम तो, हम युवा हैं, हम चाहते हैं सरकार चेंज हो। किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की आनी चाहिए, जो रोजगार दे उसकी आनी चाहिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम नरेश चंद्र, मैं बल्लभगढ़ से हूँ। अच्छा, जिस तरीके से जो अगर हम विकास की बात करें दो मिनट के लिए, तो विकास पे कितना कार्य हुआ है भाजपा सरकार ने? विकास पे भाजपा सरकार ने, एक तो हमारे बल्लभगढ़ में सिटी पार्क है, उसमें जो ना टॉयलेट की इतनी परेशानी है, इतनी ज़्यादा परेशानी है। एक तो वो काम जो ना बीजेपी वालों ने जो ना कतई नहीं किया है। दूसरे नंबर साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और बस सब जगह गंदगी है। एक हमारे तेगांव रोड पे जो ना लड़कियों के बिल्कुल ठीक स्कूल के सामने जो ना वो नाली है, जो ना इतनी बेकार हो चुकी है, उसको जो ना उन्होंने सुधारा नहीं है। और मूलचंद शर्मा से कई दफ़े हमने कही, उसने जो ना उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा। दूसरा नंबर ये है कि भाई रोडों पर हर उसमें जो ना पुलिस वाले नहीं खड़े रहते, लड़कियों की छेड़खानी होती है सबसे ज़्यादा, जो ना गुंडागर्दी इतनी होती है सुबह शाम, वहाँ पर पुलिस वाले रहें, ये कई दफ़े हमने कही है जो ना, पर वो उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। अगर हम दो मिनट के लिए बात करें कि इस बार जो है आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बदलाव चाहती है। अच्छा। और बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और जब तक बदलाव नहीं होगा तो मतलब लोग किस तरीके से बदलाव चाहते हैं? देखो, ये राजनीतिक भी बदलाव हो सकता है, और जो ना लोग अपने आप को भी बदलने की कोशिश करें। जैसे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान है, लोग कूड़े के लिए जो ना बाल्टियाँ वगैरह, जैसे ये कूड़े की गाड़ियाँ लगाई गई है, इनमें लोग कूड़े डालते हैं, तो ये ठेकेदार जो है ना। दो मिनट की बात करेंगे, इस बार आप किसको सत्ता में लाना चाहते हैं? सत्ता में तो देखो बदलाव लाना चाहते हैं हम, और जो थोड़ा सा बदलाव आए तो कांग्रेस जो है ना थोड़ा सा सही भी रहेगी, क्योंकि विपक्ष में जितनी कांग्रेस रहेगी तो उससे जो ना थोड़ा सा ये है कि सुधार आता रहेगा। अच्छा। हाँ, तो यानी आप इस बार कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं? हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं।